Ready? Yeah. Let's go. मीडिया तो सर सो तो बात 10 मिनट की है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जिस समय वहाँ पे गाड़ी लोड हो रही थी उस समय वहाँ 8 गाड़ियाँ थी, एक गाड़ी के पीछे 8-9 लेबर रहते हैं, तो बताइए 10 ही मौत होंगी अगर खदान गिर जाएगा तो। ये कहने का मतलब 16 आदमी डेट हुए हैं, कहने का मतलब 16 डेट हुए हैं, सिर्फ 100 हुआ है 10 लोगों का, 11 लोगों का 100 हुआ है, जबकि वहाँ मजदूर दबे हैं। सब हमारे जिला प्रशासन क्या किया कि रात में भी वर्क करवा के वहाँ से लाश गायब करवा दी। हमारी कहने का मतलब 16 आदमी डेट हुए हैं, कहने का मतलब 16 डेट हुए हैं, 16 आदमी थे वर्तमान में। देखिए मैं जब से हादसा हुआ तब से मैं वहाँ पे हाजिर था, मेरा भाई जहाँ मैं पसंद आया तो वहाँ पे देखिए मेरे सामने कम से कम 12 लाशें जा चुकी थी, ठीक, मैं यहाँ 10 दिखाया जा रहा है। तो आपको कुछ आइडिया लगा कि मतलब जो ये बाकी मृतकों के शरीर थे पुणे आए यहाँ सर, हमारे लोकल एरिया तो हम तो बस इन्हें जानते हैं, बाकी कुल कहीं झारखंड के कहीं बिहार के थे। तो उन लोगों के साथ क्या किया गया सर? कुछ नहीं किया गया, मलबा लास्ट में एमपी की पुलिस सुनने हमको देखिए यही है, एमपी की पुलिस लास्ट हमारे डीएम साहब जो इस समय बीवी पंत जी हैं, जी बीवी पंत है इसमें हमारे जिलाधिकारी महोदय, इस समय हमारे वही डीएम है, और जो है कि यहाँ पे कार्रवाई बंद कर दी गई। कार्रवाई जब बंद करने के बाद यहाँ पे रिपोर्ट भेजा गया कि यहाँ पे कार्रवाई पूरी हो चुकी है, यहाँ पे कोई लाश नहीं है। लास्ट में हमारे एमपी की पुलिस, एमपी में जब हड़ताल हुआ चक्का जाम हुआ तो लास्ट में एमपी की पुलिस हमारे जिले में यहाँ पे आई और लास्ट में 3 लाश यहाँ से फिर उसके बाद निकाली कार्रवाई करने के बाद, 2 दिन के बाद, 2 दिन काम करने के बाद। बाकी सारे बाहर टोटल एमपी के, कुछ झारखंड के नहीं, टोटल एमपी के, झारखंड का कोई नहीं, सारे मध्य प्रदेश के। फिर 3 दिन बाद फिर जब एमपी की पुलिस यहाँ के लेबर दबे हुए थे वहाँ से पुलिस आई, सर डॉग का जो नहीं होता है वो सर डॉग किराया गया, तो वहाँ फिर मशीन चलाई गई तो एक बॉडी और निकली उसके बाद। मतलब कार्रवाई बंद होने के बाद जब वहाँ पे बवाल हुआ मध्य प्रदेश, उसके बाद हड़ताल के बाद मध्य प्रदेश पुलिस यहाँ पर आई और फिर से और मलबे से निकाली, निकाली 3 दिन बाद, 3 दिन तक बॉडी वहीं थी।